बस्मीम्सम क्लास फ़ोर हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल डूइंग गुड सो क्लास फोर आउट योर उर्दू अदब बुक टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर आग और पानी ओपन पेज नंबर सिक्सटी वन सो लेट्स स्टार्ट हम रीड करते हैं कि कैसे स्टोरी है किसी ज़माने में एक बादशाह था जो बड़ा नेक दिल और ख़ुदा तर्ज था इसकी नेक शहरत दूर दूर तक फैली हुई थी एक दिन इसके दारुल दारकूमत में एक फ़कीर आया अब इसमें दो करेक्टर्स हैं इस स्टोरी में तो बादशाह और एक फ़कीर और बादशाह जो है वो बहुत नेक दिल है खुदा से मतलब रहम दिल है उसको लोगों के ऊपर बहुत जल्दी रहम आ जाता है किसी का दुख या वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता और फ़कीर उसको आया था मिलने के लिए देखने के लिए क्योंकि उसने उसकी बड़ी शहरत सुनी थी दारुल हुकूमत मतलब कैपिटल सिटी जिसना हमारा कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है इसने बादशाह की नेक मिजाजी और ख़ुदा तरसी का हाल सुना तो हैरान रह गया अब वो क्यों हैरान हुआ कि वो इतना अच्छा है उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि हकूमत का इंतज़ाम और खुदा तरसी एक जगह कैसे जमा हो सकते हैं क्योंकि हकूमत तो बड़ी दुनियादारी का मशगला है मशगला मतलब शौक़ क्योंकि हकूमत हम तब करते हैं जब लीडर हर कोई नहीं बन सकता किसी के अंदर शौक़ होता है किसी को आ, के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो लोगों को अपनी बात समझा सकता है लोगों के काम करने का उसको तरीका आता है हेल्प करने का तो वो खुदा तर्ज भी है रहमदिल भी है और वो दुनियादारी भी कभी काम कर रहा है अल्लाह ताला का दीन भी वो ठीक से फॉलो कर रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है ये देखने के लिए वो दूर दराज का सफ़र तय करके आया था जब वो बादशाह के महल के दरवाज़े पर पहुंचा था उसने इधर उधर देखा कि शायद कोई दरबान नजर आ जाए दरबान मतलब चौकीदार लेकिन वहाँ कोई नहीं था ये दूसरी अजीब बात उसको नज़र आई कि बादशाह के महल के बाहर तो इतने ज़्यादा पहरेदार होते हैं वो किसी को किसी भी अजनबी को इस तरह से अंदर नहीं जाने देते मिलने नहीं देते लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था वो अंदर गया तो बादशाह ने इस अजनबी शख्स को देखा और नहायत अख्लाक से पेश आया अब बादशाह के लिए फ़कीर जो था वो एक नया शख्स था अजनबी था तो वो फिर भी जो है वो बड़े अच्छे अखलाक से मिले पास बिठाया और पूछा कहिए शाहजी कैसे आना हुआ अब उन्होंने उनसे बड़े ही तमीज़ से तहजीब से पूछा कि कहिए शाहजी आप कैसे आए हैं क्या काम है मैंने सुना था कि आपकी अमलदारी में आग और पानी इकट्ठे हो गए हैं बस यही देखने चला आया आग और पानी से मुराद है कि दीन और दुनिया दोनों इकट्ठे वो लेकर चल रहा है बादशाह बादशाह फकीर का मतलब समझ गया और मुस्कुराता हुआ बोला तो देख लिया तो बादशाह ने मतलब फकीर से पूछा कि आप आए हैं जारी बात है वो शहर में से गुज़रा होगा लोगों से मिला होगा तो से उसने पूछा कि आपने के देख लिया हाँ फकीर ने बेजारी से जवाब दिया मतलब फकीर खुश नहीं था उसको कुछ समझ नहीं आया और जाने के लिए उठने लगा कि मतलब उसको लगा कि मुझे चले जाना चाहिए ठहरीय शाह जी बादशाह तेज़ी से बोला अभी आपने नहीं देखा मैं दिखाता हूँ बादशाह ने कहा कि अभी आपने कुछ भी नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ तक हम डेट लगाएंगे और कल ये स्टोरी बाकी कंप्लीट करेंगे ओके क्लास फोर उसके बाद डेट एंड डे मेंशन करने के बाद आप आ जाएंगे अपनी बुक के पेज नंबर सिक्सटी टू पेज नंबर सिक्सटी टू देखिए आपके पास है सवालात के जवाब तहरीर करें और पहला सवाल है बादशाह की शोहरत दूर दूर तक क्यों फैली हुई थी इसका ये आंसर आपने यहाँ से देखकर राइट करना है क्योंकि वो बादशाह बड़ा नेक दिल और ख़ुदा तर्स था उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है फकीर बादशाह के पास क्यों आया था फकीर बादशाह के पास ये देखने आया था कि नफसा नफसी के दौर में हकूमती निज़ाम और रियासती अमूर खुदा तरसी से कैसे चलाए जा सकते हैं जबकि ये तो बड़ी दुनियादारी का मशगला है नफसा नफसी का दौर मतलब सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचना अपनी मसलों को हल करना किसी की हेल्प ना करना और रियासती अमूर मतलब रियासत के काम जो आपके पास जो कंट्री है या कोई सिटी है जहाँ पे वो कोई मतलब कोई इसको लीड कर रहा है कोई उसको चला रहा है तो उसके काम तो मतलब ये कैसे हो सकता है कैसे पॉसिबल है क्वेश्चन नंबर थ्री है बादशाह ने फ़कीर को क्यों रोक लिया था क्योंकि बादशाह फकीर को पूरी रियासत का निज़ाम अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बेहतरीन तरीके से चलाते हुए दिखाना चाहता था बादशाह क्या चाहता था कि फ़कीर को अच्छे से तसली हो जाए और उसके दिल में कोई भी शक व शुबा है तो वो ख़त्म हो जाए और वो वो अल्लाह के निज़ाम के मतलब अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जो है उस रियासत का निज़ाम चलाते हुए दिखाना चाहता था क्वेश्चन नंबर फोर पर आ जाएँ बादशाह ने ज्लत से क्या कहा था ज्लत होता था जो बादशाह के हुक्म पे किसी को सजा अगर बादशाह ने किसी को सजा सुनाई है तो वो उसको वो सजा पूरी करता था जिस तरह खुदाना खासा बादशाह ने किसी को जो है वो कत्ल करने का हुक्म दे दिया है या सजा दे कौड़ों की सजा का सुना दिया है फांसी का सजा की सजा सुना दी है तो एक आ, मखसूस आदमी होता था जो इतना ताकतवर और उसके ऊपर अपने ऊपर कंट्रोल होता था जो बादशाह के हुक्म को पूरा करे और उसको सही तरीके से अंजाम दे मतलब वो डरे ना या गलत तरीके से कोई काम ना करे इसका आंसर है जाओ फ़कीर को पूरे शहर की सैर करवाओ और जहाँ कहीं प्याले से एक कतरा भी पानी का ज़मीन पर टपके तो इन्हें फ़ौरन वहीं कत्ल कर देना क्वेश्चन नंबर फाइव है लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की वर्किंग का बादशाह ने फ़कीर को हुकूमत और ख़ुदा तरसी यकजा होने की क्या वजह बताई यकजा मतलब एक जगह अगर खुदा का खौफ दिल में हो और अपनी ज़िम्मेदारी पर नज़र जमी हुई हो तो फिर दुनिया की कोई दिलचस्पी इंसान को दीन से गाफिल नहीं कर सकती बड़ी ही गहरी और बड़ी ही अच्छी बात यहाँ पर बादशाह ने फ़कीर को समझाई थी कि आपके अंदर हर वक्त ये खौफ होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा है हमें खौफ हो कि अल्लाह ताला अगर हम गलत काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें सजा देंगे अगर ये खौफ आपके अंदर रहेगा तो आप अपना काम ध्यान से भी करेंगे और आप से कोई गलती भी नहीं हो सकेगी और इसी तरह इंसान जो है वो दीन से गाफिल भी नहीं होगा यहाँ तक आपकी आज की वर्किंग कंप्लीट हुई क्वेश्चन क्वेस्टन कोश्चन के आंसर राइट करने के बाद आप टेली करेंगे आप इनकी लर्निंग करेंगे इन क्वेश्चंस की ये आपकी उसके साथ ही आप अपनी डायरी भी देख लें कि आपने इन क्वेश्चंस की लर्निंग करनी है रीडिंग को दोबारा रीड आउट करना है ताकि कोई वर्ड सही से आप नहीं बोल सकते तो वो कर लें उसके बाद आपका घर का काम क्या है कि इन क्वेश्चन को याद करना है जो आपने लर्न सी वर्क किया है उसके बाद अल्फाज मायने जो आपके चैप्टर के स्टार्ट में ही लिखे हुए होते हैं उन्हें कॉपी में राइट करना है और उसके बाद उसकी लर्निंग करनी है ओके क्लास फोर अपना काम ध्यान से करें रोज़ाना की बेसिस पे करें और आगे बढ़ते जाएं. टेक केयर अल्लाह हाफिज़